दोस्तों आपने सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो जरूर से देखी होगी, कोई जवान आदमी वो बूढ़ा लग रहा है, या फिर जो बूढ़ा है वो जवान लग रहा है, या फिर कोई लड़का है वो लड़की होती तो कैसा दिखता है, या फिर कोई लड़का है तो वो लड़की होती तो कैसा दिख रहा है। ऐसी फोटो सोशल मीडिया पर आपने खूब देखी होगी। तो ये सब फोटो देखने के बाद आपके मन में भी जरूर से आता होगा कि भाई ये फोटो सब कैसे बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे आप अपनी फोटो बना सकते हैं, अपने दोस्त की फोटो बना सकते हैं, उसको सोशल मीडिया पर टैग कर सकते हैं, उसको जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं और आप उसके साथ प्रैंक कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी होगी। तो उस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उसे डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपके फोन के अंदर दोस्तों सीधी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी ओपन होने के बाद दोस्तों आप अपनी गैलरी में से कोई भी फोटो चुन लेने हैं। तो मैं यहाँ पे दीपिका पादुकोण की, यहाँ पे सलमान खान, यहाँ पे यश है, यहाँ पे राहुल गांधी है, मोदी जी है, जिसकी भी फोटो, तो मैं यहाँ पे राहुल गांधी की फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अगर लड़की होते तो कैसा दिखते मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आप जाओगे, खूब सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे जेंडर के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे दोस्तों फीमेल वन है, फीमेल टू है। तो फीमेल टू पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे दोस्तों ये लड़की होती तो कुछ इस तरीके के नजर आते। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये वाले इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लड़की होती तो कुछ इस तरह का दिखाई देते। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लड़की होती तो ऐसा दिखते हैं। फिर यहाँ पे अप्लाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव भी आप इसे कर सकते हो, यहाँ पे सेव हो जाएगी, यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप वगैरह यहाँ पे भी आप इसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यदि ये लड़की होती तो दोस्तों कैसा दिखते, उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से आपको यहाँ पे जैसे ये वाली है दीपिका पादुकोण की, मैंने फोटो सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे यदि ये लड़का होता तो कैसा दिखेगी, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जाना है और यहाँ पे जेंडर पे जाना है और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे मेल पे जाओगे तो यहाँ पे मेल के ऊपर आप देखेंगे तो लड़का होता था कुछ इस प्रकार से दिखती। यहाँ पे दाढ़ी वाला करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे इसकी दाढ़ी भी आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। यदि दीपिका पादुकोण लड़की हो, लड़का होता तो कुछ इस प्रकार से दिखता। तो यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करके सेव भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यदि ये बुढ़ी होती तो कैसी दिखती। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे यंग, अगर कोई बुढ़ा है उसके लिए यहाँ पे यंग आ रहा है और बुढ़ी के लिए यहाँ पे ये वाला है। यदि ये बुढ़ी होती तो कुछ इस प्रकार से दिखती। तो दोस्तों ये सब आप अपने फोन में कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। इस ऐप का नाम है फेस ऐप।